कोरोना वायरस की चपेट में अर्थव्यवस्था। कोरोना वायरस पब्लिक हेल्थ के लिए इमरजेंसी का मुद्दा तो बना ही हुआ है, लेकिन अब इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी साफ साफ दिखाई देने लगा है। चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस की चपेट में दुनिया के कई देशों के आने से वैश्विक कारोबार में काफी गिरावट की आशंका जताई जा रही है। पिछले कुछ समय से कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर के बाजारों में गिरावट का रुख जारी है। चीन के अलावा अन्य देशों में कोरोना वायरस के मामले आने के बाद कई देशों में बंद जैसी स्थिति है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर कोरोना वायरस कुछ और दिन इसी तरह बना रहता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। भारत में भी कोरोना वायरस के कुछ मामले पाए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था पर कोरोना के असर को लेकर सचेत है और इस मामले में विभिन्न स्तर पर विकल्पों को देखा जा रहा है, जिनमें से कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक स्रोतों से कच्चा माल हवाई जहाज के जरिए मंगवाने की व्यवस्था भी शामिल है। ऐसे में सवाल है कि कोरोना वायरस से ग्लोबल इकोनॉमी और भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह प्रभावित होगी। सवाल है कि कोरोना वायरस के असर को लेकर किस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। सवाल यह भी है कि भारत को इस वायरस के चलते आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है। तो आइए विचार करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कोरोना वायरस आखिर क्या है और इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने तक में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस जूनोटिक प्रकार के वायरस को पहले कभी इंसानों में नहीं देखा गया है। पिछले साल दिसंबर में चीन के वुहान में कोरोना वायरस का संक्रमण शुरू हुआ था। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बन सका है और कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन से बाहर 59 देशों में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की पुष्टि हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में तकरीबन 3,000 लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना वायरस के 87,000 से ज्यादा मामले प्रकाश में आए हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण चीन में 4 प्रांतों और करीब 50 शहरों में लॉकडाउन है। इसके चलते चीन में मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, ऑटोमोबाइल, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे अनेकों उद्योगों की ज्यादातर फैक्ट्रियां अस्थायी रूप से बंद हो चुकी हैं। कोरोना वायरस फैलने के डर से वहां के कई क्षेत्रों में परिवहन कम कर दिया गया है और कारोबारी गतिविधियों में गिरावट आई है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि चाहे नेचुरल गैस हो या पेट्रोलियम पदार्थ हो, उसकी खपत कम हो गई है। इससे कच्चे तेल की मांग में कमी आई है। कोरोना वायरस की वजह से चीनी व्यापार थम सा गया है। यहाँ पर्यटन पर भी काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ग्लोबल एयरलाइंस चीन में नहीं जा रही हैं और ज्यादातर समुद्री जहाजों ने भी एशिया प्रशांत रूट पर सर्विस को स्थगित कर दिया है। यह दुनिया के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए एक बड़ी समस्या है, जहाँ हर साल बड़ी तादाद में चीनी पर्यटक जाते रहे हैं। इस स्थिति में वैश्विक स्तर पर पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक असर पड़ेगा। कंसल्टेंसी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के मुताबिक कोरोना वायरस अगर महामारी का रूप लेता है तो 2020 की पहली तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था पिछले साल के मुकाबले 4% कम की दर से आगे बढ़ेगी। इस एजेंसी के अनुसार वर्ष 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था 5.6% के औसत दर से आगे बढ़ेगी। इससे पहले 2002-2003 में सार्स वायरस की वजह से ऐसे ही वैश्विक खतरे पैदा हो गए थे। उस वक्त दुनिया भर में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इस संक्रमण का असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। ऐसे ही जीका, निपाह और इबोला वायरस भी पहले मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं, लेकिन इसकी तुलना में अब हालात और ज्यादा भयानक हो गए हैं, जिसकी चपेट में वैश्विक अर्थव्यवस्था भी आ गई है। तो अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस के तेजी से फैलने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव देखे जा रहे हैं। वैश्वीकरण के दौर में कोई भी देश अलग थलग नहीं रह सकता। कोरोना वायरस के खतरों से पता चलता है कि एक देश में होने वाली घटनाओं से दुनिया किस तरह प्रभावित हो सकती है। कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर का सबसे बड़ा कारण निर्यात क्षेत्र में चीन की भागीदारी है। चीन वैश्विक व्यापार में बड़ा देश है और वस्तुओं के कुल वैश्विक निर्यात में उसका योगदान लगभग 13% है। ऐसे में पहले दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर के कारण कारोबार में सुस्ती और कोरोना वायरस के कारण बने हालातों ने विश्व व्यापार के लिए आग में घी का काम किया है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। इसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है
कि कोरोना वायरस के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन यानी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण उत्पादन और फ्रेश सप्लाई बंद हो गई है। ऐसे में बंद कारखाने चीन की विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर देशों और कंपनियों के लिए समस्या बन गए हैं। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल सभी लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ा है। कोरोना वायरस के कारण शेयर बाजारों और तेल के भाव में गिरावट देखी जा रही है। इससे घबराए निवेशक सुरक्षित विकल्पों में निवेश को तरजीह दे रहे हैं। अन्य एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई, जापान का निक्की, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग के हैंग सेंग में अच्छा खासा नुकसान रहा। फ्लाइट कैंसिल किए जाने से विमानन क्षेत्र पर गहरा असर पड़ा है। लोग पर्यटन के लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में होटल, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट आदि पर असर पड़ा है। यानी पर्यटन से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर क्षेत्र पर इस वायरस की मार देखी जा रही है। रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर में कोरोना की वजह से इस साल 0.4% की गिरावट हो सकती है। पहले वर्ष 2020 के लिए वैश्विक विकास दर में 2.8% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया था, जिसे घटाकर अब 2.4% कर दिया गया है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि कोरोना वायरस के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहराते संकट के क्या कारण हैं। चीन आज दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। यहाँ से दुनिया के कई देशों में कच्चा माल और तैयार माल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है। यानी चीन एक बड़ा आयातक और निर्यातक देश है। मोबाइल, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के मामले में चीन को बेताज बादशाह माना जाता है। हुआवे, आईफोन, शाओमी, वीवो और ओप्पो जैसी तमाम दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां या तो चीन में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं या वहां से पार्ट हासिल करती हैं। लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से टेक कंपनियों की आपूर्ति पर असर पड़ा है। चीन इन इंडस्ट्रीज के विनिर्मित उत्पाद और इनके कल पुर्जे दुनिया के कई देशों में भारी मात्रा में निर्यात करता है। पर चीन में कोरोना वायरस के कारण बनी स्थितियों के बाद विभिन्न देश चीन से सहज रूप से आयात निर्यात नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नतीजा यह हुआ है कि जिन देशों में किसी प्रोडक्ट का उत्पादन चीन से इम्पोर्टेड वस्तुओं पर डिपेंड था, उसमें कमी आ गई है। साथ ही जो वस्तुएं चीन को भेजी जाती थीं, वो भी ठप पड़ गई हैं। मसलन दक्षिण कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई ने बीते दिनों अपने विशाल उल्सान संयंत्र में काम रोक दिया। दरअसल चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण औद्योगिक उत्पादनों पर असर पड़ा है। इससे वाहनों के कलपुर्जों की कमी हो गई है, लिहाजा ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई को यह कदम उठाना पड़ा। कंपनी के इस फैसले से दक्षिण कोरिया में ही हजारों कामगार बेरोजगार हो गए हैं। चीन में कच्चे तेल की मांग में भी कमी देखी जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल की मांग में तकरीबन 15% तक की गिरावट आई है। चीन कच्चे तेल का आयात खाड़ी देशों से करता है, लेकिन कम खपत के कारण चीन ने इनका आयात कम कर दिया है, जिससे खाड़ी देशों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लिहाजा तेल उत्पादक देश कच्चे तेल की कीमत को नियंत्रित करने के लिए इसके उत्पादन को कम करने की मांग कर रहे हैं। इस तरह लगभग सभी देश किसी न किसी रूप में कोरोना वायरस के चलते प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि कोरोना वायरस से भारतीय अर्थव्यवस्था के किस तरह से प्रभावित होने की संभावना है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के असर से भारत भी अछूता नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से भारत का चीन के साथ होने वाले आयात और निर्यात दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ज्यादा असर आयात पर पड़ने की संभावना है, क्योंकि भारत चीन से आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम, और लगभग 2 महीनों से चीनी सामान का आयात बंद है। लिहाजा भारतीय बाजार में चीन से निर्मित सामान खत्म होने लगे हैं। चूंकि भारत के बहुत सारे उद्योग कच्चे माल और कलपुर्जों के लिए चीन पर निर्भर हैं, ऐसे में भारत में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, टेक्सटाइल, खिलौने, ऑटोमोबाइल और फार्मा हैं। भारतीय फार्मा उद्योग भारी मात्रा में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स एंड इंटरमीडिएट्स API के आयात के लिए चीन पर निर्भर हैं। देश में 70% API चीन से आयात होता है। दवाओं की सामग्री के आयात की ज्यादा निर्भरता होने की वजह से देश में जेनरिक दवाएं महंगी होने की संभावना है। फिलहाल भारत में इन उद्योगों के लिए कच्चे माल का आयात चीन से बंद है। ऑटोमोबाइल उद्योग पर कोरोना वायरस का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग चीन से आयातित पार्ट्स पर डिपेंड है।
कपड़े से लेकर होली के रंगों तक भारतीय बाजार चीनी सामानों पर निर्भर है। ऐसे में कोरोना वायरस की वजह से आम लोगों के लिए इसलिए भी मुश्किल बढ़ेगी क्योंकि भारत में रोजमर्रा की चीज़ें महंगी हो सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में देश में मोबाइल और खिलौने के स्टॉक जल्द ही खत्म होने की संभावना जताई जा रही है, जिसकी वजह से इन उत्पादों की भारत में कालाबाजारी की जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संबंधित क्षेत्रों को इस मामले में सतर्क रहने के लिए कहा है। इन हालातों का एक पक्ष यह भी है कि भारत इस मौके को अपने निर्यात और घरेलू उत्पादन की क्षमता को बढ़ाकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भागीदारी बढ़ा सकता है ताकि घरेलू जरूरतों को भी पूरा कर सके। लेकिन इस मामले में बड़ा सवाल यह है कि भारत चीन से बाहर किन देशों से जरूरी कच्चा माल या कलपुर्जे आयात करे और किन देशों को अपने उत्पाद बेचे। फिर चीन जैसी क्षमता कम दिनों में हासिल नहीं की जा सकती। ऐसे में पहले से आर्थिक मंदी में फंसी भारतीय अर्थव्यवस्था को ज्यादा सक्रियता से इस मुश्किल से निपटने की जरूरत है। ऐसे में सवाल है कि ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी के सामने क्या चुनौतियां हैं। चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती ग्लोबल सप्लाई चेन को बहाल करने की है, क्योंकि अगर चीन में जल्द ही सभी उद्योगों में उत्पादन बहाल नहीं हुआ तो इसका खामियाजा भारत समेत दुनिया के कई देशों को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता जा रहा है और अब तक भी इसकी कोई वैक्सीन या प्रॉपर इलाज खोजा नहीं जा सका है, ऐसे में साफ तौर पर यह कहना मुश्किल है कि हालात कितने दिनों में सामान्य हो सकेंगे, यानी जो मौजूदा हालात हैं उसकी रिकवरी कब हो सकेगी और इसका आकलन करना फिलहाल संभव नहीं है। एक बड़ी चुनौती चीन के प्रतिस्थापन यानी ऑप्शन बनने की भी है। चीन ने खुद को दुनिया की फैक्ट्री के रूप में विकसित किया है, वहाँ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन ठीक चीन की तरह ही माल बनाना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और कम समय में वैश्विक डिमांड को पूरा करना संभव नहीं है। कोरोना वायरस से उबरने के बाद दोबारा विश्वास बहाल करना भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के डर से वैश्विक स्तर पर व्यापार और आवाजाही पर असर पड़ा है। देशों और लोगों को पर्यटन और माल आवाजाही के लिए प्रेरित करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में समझना जरूरी है कि क्या हो आगे की राह। कोरोना वायरस के कारण लंबे समय से बढ़ती मुश्किलों को देखते हुए वैश्विक स्तर पर गंभीरता से प्रयास किए जाने की जरूरत है। इस कड़ी में कोरोना वायरस के पीड़ितों का इलाज करने और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जागरूकता बढ़ानी होगी। वैश्विक स्तर पर हालातों को संभालने के लिए कोरोना वायरस के प्रकोप को जल्द से जल्द रोकने और उपभोक्ताओं का विश्वास बहाल करने की जरूरत है, क्योंकि बिना इसे नियंत्रण में लाए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बहाल नहीं किया जा सकता। भारत को पब्लिक हेल्थ और व्यापार दोनों के लिए एक्शन मोड में बने रहना होगा। चीन से आयात बंद होने पर भारत के कई उद्योग बंद हो सकते हैं। ऐसे में सरकार को गंभीरता से सोचने और कदम उठाने की जरूरत है। हम भले ही चीन से कपड़े, खिलौने, मोबाइल एक्सपोर्ट ना करें, लेकिन दवाइयों की जरूरतों का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए फार्मा उद्योग को संभालने की बेहद जरूरत है। भारत सरकार को इसे एक अवसर के रूप में लेते हुए घरेलू उद्योग को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। घरेलू उद्योगों को बेहतर फाइनेंसिंग सुविधाएं मुहैया कराने की जरूरत है ताकि निर्यात भागीदारी में वृद्धि और निर्बाध घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।